बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एस एस किचन एंड व्लॉग। आज हम बना रहे हैं मसालेदार बैंगन, और इसके लिए हमने हाफ़ के जी बैंगन और हाफ़ के जी आलू लिए हैं। और स्पाइसेस में मैंने लिए कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। और नमक हसबे ज़ायका 1/2 कप ऑयल है, 2 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट, और कम से कम 2 अनियन लिए हैं उसको पीस लिया है, इमली है, मेथी दाना, और यहाँ टमाटर कट करके रख लिए हैं, और इस गार्निशिंग के लिए हमने हरा मसाला काट के रख लिया है। और अब हम सबसे पहले इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं, जो कि गर्म करना है हमें, थोड़ा इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि हम इसमें मेथी दाना डालेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें इसको मेथी दाने को जो है पकाना है, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है, वरना ये एकदम जल जाता है अगर हम फ्लेम तेज़ रखेंगे तो। बिल्कुल हम इसको यहाँ भून लेते हैं, बस इसकी खुशबू जैसी आने लगे तो आप इसमें प्याज ऐड कर दीजिएगा। अभी बस हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, इसका कलर चेंज हो जाए, और ये देखिए यहाँ इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बस इसको थोड़ा सा ही हमने भूना है, कलर चेंज हो गया मेथी दाने का। अब हम इसमें पिसी हुई प्याज जो मैंने पीस के रख ली थी, तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी वो मैंने पीस ली थी, इसमें ऐड कर दी है हमने। बिल्कुल बारीक पीस लें प्याज को, और 2 टेबल स्पून जो है वो हमने इसमें लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। और जो बाकी थोड़ा सा बचा हुआ था वो भी मैंने पानी डाल के उसको भी इसमें डाल दिया है, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करना चाहिए। और यहाँ जो हमने स्पाइसेस निकाल के रखे थे वो भी इसमें ऐड कर दें, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर और नमक। और बस अब हम इसको भून लेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस 1 कप पानी डालेंगे हम इसमें, ताकि प्याज का कच्चापन निकल जाए और ये पक जाए अच्छे से मसाला। 1 कप पानी इसमें ऐड किया है हमने, बस इसको ढक दें, और बस थोड़ी सी देर में ये मसाला जो है हमारा तैयार हो जाएगा, भुन जाएगा मसाला। अब ये भुनाई पे आ गया है, अब हम इसको मसाले को भून लेते हैं। बिल्कुल हमें खुश्क नहीं करना मसाला, क्योंकि बैंगन आलू जो है वो भी हमें इसी मसाले में ही पकाने हैं। और ये हमने टमाटर जो कट करके रखे थे वो भी इसमें ऐड कर दें, टमाटर को भी अच्छी तरीके से थोड़ा सा बस पकाना है। इसको मैंने ढक दिया है इसीलिए कि बस भाप में जो है, और ये इसमें इसके मसाले में जो है वो टमाटर जो है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा नरम हो गए। और अब हम इसमें बैंगन आलू जो हमने कट करके रखे थे वो ऐड करेंगे। उसका पानी हमने फेंक दिया था, हरी मिर्च और बैंगन आलू, ये हमने बैंगन इसको पानी में इसीलिए डिप करके रखते हैं कि वरना ये ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा देर पहले आप इसको ना काट के रखें, जब पकानी हो बस जब ही थोड़ी सी देर पहले काट लें। और इसके साथ ही मैंने इसमें इमली भी ऐड कर दी है, इमली खट्टे थोड़े बनाने हो तो आप ज़्यादा डाल दें इमली, इन्हें अपने हिसाब से डालिए। और ये देखें, चावलों के साथ सर्व करें या रोटी से खाएँ, बहुत टेस्टी लगते हैं, और ख़ास तौर पर गर्मियों में बनाएँ तो बहुत मज़ेदार सी डिश लगती है ये। बस अब ये मसाला तो भुना हुआ ही है, बस जल्दी से ये हो गए रेडी, और बैंगन भी गल चुके हैं, आलू भी बहुत जल्दी गल जाता है बैंगन, ये आलू भी इसके गल चुके हैं। हरी मिर्चें आप चाहें तो काट के डाल दें या साबुत डाल दें। अब इसका रोगन भी ऊपर आ गया है, थोड़ा हमने इसको भुना भुना ही रखना है। यहाँ हमारे हो गए बैगन आलू, मज़ेदार से खुशबू आ रही है, और ये रेडी हो चुके हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसको डिश आउट कर लेते हैं। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।